बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नाउन इट्स काइंड्स। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स हैं नाउन्स के, जिसमें कि हमें उस वर्ड को सर्कल करना है जिसका इस ग्रुप से वो बिलोंग नहीं करता, जिसका मीनिंग अलग है। जैसे कि फर्स्ट में पॉटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और फॉर्चून टेलर। तो इसमें बच्चों फॉर्चून टेलर सबसे अलग है, उसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट में कंडक्टर, कंपोजर, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट, इसमें हम आर्टिस्ट को सर्कल करेंगे। ऑथर, नॉवलिस्ट, कार्टोग्राफर और बायोग्राफर, इसमें हम कार्टोग्राफर को करेंगे। इसके बाद कुक, शेफ, बटलर, शॉफर, तो बच्चों इसमें हम शॉफर को एड सर्कल करेंगे। प्रोफेसर, ओरेटर, टीचर और लेक्चरर, इसमें हम ओरेटर को सर्कल करेंगे। तो बच्चों नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। जैसे रिया इज माय बेस्ट फ्रेंड में रिया और फ्रेंड, ये दोनों नाउन है। आई लाइक टू बी इन माय स्कूल में स्कूल। ईशा इज अ सिंसियर गर्ल में ईशा और गर्ल। इसी तरह माय मदर लॉस्ट हर टेम्पर में मदर और टेम्पर। माय ब्रदर इज वेरी ऑनेस्ट में ब्रदर और ऑनेस्ट। तो जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड हैं, ये सभी नाउन है। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम हो सकता है। डिफरेंट टाइप के नाउन होते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो नाउन्स के टाइप हो गए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बच्चों किसी भी पीपल, स्पेस या चीज का स्पेसिफिक नाम होता है। किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम जब बात करते हैं उसका नाम बताकर, तो हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे रोहित, मुंबई, रशिया। कॉमन नाउन होते हैं जो किसी चीज के जनरल नाम होते हैं। जैसे कोई भी पीपल बोल दिया, एनिमल बोल दिया, प्लेस बोल दिया, जैसे फादर, मदर, टाइगर, बेबी, ब्रदर, तो ये कोई भी हो सकता है। तो ये पूरी कैटेगरी को बताते हैं पर्टिकुलर ग्रुप की, तो इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन होते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी चीजों का कलेक्शन को हम एक होल किसी एक वर्ड से बोल देते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बैंड ऑफ मैन, कास्ट ऑफ एक्टर्स, कैनल ऑफ डॉग्स, बैच ऑफ केक्स, ब्रूड ऑफ हेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि किसी आइडिया, क्वालिटी या स्टेट के बारे में बताते हैं। इसको हम, ये इसमें कोई भी फीलिंग्स या आइडिया आते हैं, और वो चीजें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ना हम टच कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, नॉलेज, लव, सेटिस्फेक्शन, केयर, वर्क, एंगर और विजडम, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद होते हैं मटेरियल नाउन। तो बच्चों नाउन्स जो कि किसी मटेरियल या सब्सटेंस के बारे में बताते हैं जिससे कोई भी चीज बनती है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि शुगर, कोल्ड, आयरन, ऑयल, प्लास्टिक, वुड। इसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन या एनिमल के नाम हो सकते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि फिंगर, बॉयज, गर्ल्स, फ्लावर्स। काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं किसी भी चीज या आइडिया के नाम को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, राइस, गोल्ड, मिल्क, शुगर। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं जिसमें हमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है और नाउन के टाइप को बताना है। जैसे मोहित एंड हिज मदर विजिटेड द चर्च यस्टरडे, तो मोहित और मदर और चर्च, तो मोहित और चर्च ये प्रॉपर नाउन हुए और मदर कॉमन नाउन। स्टार्स शाइन इन द स्काई, इसमें स्टार्स और स्काई, स्टार्स काउंटेबल नाउन है और स्काई है कॉमन नाउन। अ ब्राउन डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, तो डॉग एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन है और टेबल एक अनकाउंटेबल नाउन है। द गेस्ट्स वॉक डाउन द स्टेयर्स ऑफ फ्लाइट केयरफुली, तो गेस्ट्स इसमें कॉमन नाउन है, स्टेयर्स ऑफ फ्लाइट ये कलेक्टिव नाउन है। वी वर नॉट हैप्पी विद
मदर्स सडन डिसीजन ऑफ सेलिंग अवर हाउस. तो इसमें हैप्पी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मदर्स सडन डिसीजन, डिसीजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हाउस जो है वो कॉमन नाउन है. इसी तरह से हम बाकी के सेंटेंस में भी नाउन के टाइप पहचान सकते हैं. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं. इसमें बच्चों हमें कलेक्टिव नाउन्स लिख करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. जैसे ए लिटर ऑफ पपीज, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ ग्रुप ऑफ लेडीज और बंच ऑफ कीज. तो इसी तरह से बाकी के भी कलेक्टिव नाउन्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. इसमें बच्चों हमें ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी वाज नोन फॉर हिज फियरलेस लीडरशिप. हैप्पीनेस इज अ थिंग विच वी कैन नॉट बाय फ्रॉम एनीवेयर. द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. माय मदर्स बिहेवियर मेड मी प्राउड. Honesty is the best policy. He worked hard, which made her successful. My admiration for my father is unmeasurable. The Google acts as a source for acquiring knowledge. इसके बाद next activity में बच्चों हमें कुछ name the professional जो कि common noun है. जैसे one who treats the sick person is a doctor. One who cuts hair is a barber. One who sells medicine and drug is a chemist. One who makes bread is a baker. One who sells milk is a milkman. Who makes chair and table is a carpenter. Who checks ticket in a train is a ticket inspector. One who cultivates the land is a farmer. Next activity में बच्चों हमें underline word को पहचानना है कि ये countable है या uncountable. तो देयर आर टू टेलीविजन्स इन अवर हाउस. तो टेलीविजन्स काउंटेबल नाउन है, डॉक्टर काउंटेबल नाउन है, कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल, ग्लू अनकाउंटेबल है, रोड काउंटेबल नाउन है, एक्वेरियम काउंटेबल है और प्लेयर्स भी काउंटेबल नाउन है. थैंक यू.